नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल भारत का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। विपक्ष के भारी विरोध के बीच तीन तलाक बिल एक बार फिर लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े और विपक्ष में 82 वोट। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया तो कई वोटिंग से अलग रहे। इससे पहले आज बिल पर तीखी बहस हुई, कई बार झड़प देखने को मिली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक बिल को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 जुलाई 2019 तक ट्रिपल तलाक के 345 मामले सामने आए हैं। क्या हमें इन महिलाओं को सड़कों पर छोड़ देना चाहिए? उन्होंने कहा कि ये इंसाफ और इंसानियत का मामला है, हमें अपनी मुस्लिम बहनों की चिंता है। दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों का भी विस्तार से देखा, जहां शरिया को बदला गया है, तीन तलाक को बदला गया है, तलाक बिद्दत, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ट्यूनिशिया है, बाकी देश है। ये सर 15 जुलाई 2019 का है अखबार। सर, निकाह के 12 घंटे के बाद शौहर बोला तलाक तलाक तलाक। वजह क्या थी? पत्नी तंबाकू वाला मंजन करती थी, उससे तीन तलाक दे दिया। ये देखिए सर, वो बुल बोलते हैं, पत्नी ने सब्जी के लिए मांगे 30 रुपए तो शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, अपोज कह रहा तलाक तलाक तलाक। अब सर ये सवाल है, ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? तीन सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने तीन तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए, हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। और आज भारत के संविधान का बार बार उधर से कोई बात आती है तो संविधान की दुहाई देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या, मैंने पढ़ दिया सर। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत, वो चाहे किसी समाज के आते हो, उनका धर्म ईमान कुछ भी हो, हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है। सदन ने सर रेप में जो नाबालिग के साथ रेप करता है उसको फांसी की सजा दी है इसी सदन ने। अभी दो दिन पहले पॉस्को कानून पारित हुआ सर, आप परसों देखा होगा, आपने देखा होगा, इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी, ये आपने देखा सर। आज चंद्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही है। पर आज जब मैं इस हाउस का मेंबर बना हूं सर, तो एक बात कहने की इच्छा होती है, कहीं खामोशी भी है सर, एक आवाज खामोश है, वो कहानी कभी और सही। लेकिन इस सदन की आवाज खामोश नहीं रहेगी, तीन तलाक के मामले में न्याय दिलाकर रहेगी। इस मामले को धर्म ईमान के मामले से नहीं देखें, यह सवाल है इंसाफ और इंसानियत का, उस मामले से देखें। यह मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। यह मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान। तो एक तरफ सरकार खुद को मुस्लिम महिलाओं का हमदर्द बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर एक तरफा बिल लाने का आरोप लगाता रहा, जिसके चलते कई बार सदन में तीखी बहस हुई, खासकर जब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पिछली दो बार की तरह ही इस बार भी बिल का पुरजोर विरोध किया और कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे आप जन्म जन्म का साथ मत बनाइए। मैं तीसरी बार इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ हूं और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक इसका विरोध करूंगा। उन्होंने ये भी पूछा कि पति अगर जेल चला जाएगा तो फिर महिला का खर्च कौन उठाएगा? इस्लाम में निकाहनामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वॉयलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है
और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा एक ही जिंदगी काफी है। आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी हैं उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे, और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का अख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। ओवैसी के इन तर्कों पर बीजेपी भी हमलावर थी। जवाब देने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए और कहा कि कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि पति जेल चला जाएगा तो घर कौन देखेगा। अरे भाई, जेल जाने के लायक काम ही क्यों कर रहे हो? ये देश जो है इस बात का गवाह है कि हम इस देश ने जो है वो सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराई और कुप्रथा को खत्म किया है। ये देश गवाह है कि जब बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति और बुराई थी, उस वक्त भी जो है उसको खत्म करने के लिए एक बड़े आंदोलन भी हुए, और उस वक्त भी कुछ लोगों ने उसको धार्मिक रूप से, धर्म के रूप में उसका जो है वो एक जामा पहना करके कहा कि साहब ये तो धर्म के पर हस्तक्षेप है, इसलिए सती प्रथा भी खत्म नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह भी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरे देश के लोगों का सांस्कृतिक और संवैधानिक और साथ ही साथ लोकतांत्रिक सोच है कि जिसने इन तमाम कुप्रथाओं को खत्म किया। आज जो है वो ट्रिपल तलाक भी ठीक उसी तरह की कुप्रथा है, ठीक उसी तरह की सामाजिक बुराई है। अब इस सामाजिक बुराई और कुप्रथा पर जो है वो जो लोग तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि साहब अगर जो है वो पति जेल चला जाएगा तो फिर वो देखेगा कौन? अरे भैया, जेल जाओ क्यों तुम्हें? इसकी ऐसा काम करो कि जेल जाना पड़े तुम्हें? मतलब ये तो तर्क वो हो गया कि हम आतंकवाद करेंगे, हमें कानून मत बनाओ, अगर आतंकवाद कर दिया और तो हम जेल चले जाएंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? कुल मिलाकर संसद में इस बिल पर जबरदस्त घमासान छिड़ा। कांग्रेस ने भले ही पहली बार इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन 2 बार से कांग्रेस इस बिल के पूरी तरह से विरोध में है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेडीयू, टीएमसी, एआईएमआईएम ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया, लेकिन लोकसभा में सरकार को कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिए समस्या ये है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी उसके विरोध में आ गई। हालांकि उसे बीजेडी का साथ जरूर मिल गया। इससे पहले भी बिल 2 बार लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में संख्या ना होने के चलते बिल बार बार अटक जाता है, और यही मुश्किल इस बार भी सरकार के सामने है। इससे पहले साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और सरकार से इस पर संसद में कानून बनाने के लिए कहा था। अब सरकार इस पर विधेयक लेकर आई जिसके मुताबिक 3 तलाक गैर कानूनी अपराध है। इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, दोषी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिससे जमानत देने का अधिकार भी सिर्फ मजिस्ट्रेट को होगा, यानी अब दोषी बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर क्यों हमारे सियासतदान, हमारे नेता इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं? ऐसे में सवाल भारत का में हमारा आज का पहला सवाल, महिला हित का सवाल, फिर ट्रिपल तलाक बिल पर क्यों बवाल? मुस्लिम महिलाओं के हित का सवाल है तो फिर ये बवाल क्यों है? उधर विपक्ष को ये बिल एक तरफा लगता है जिसका खमियाजा मुस्लिम पुरुषों को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा विपक्ष कहता है। लेकिन सरकार का दावा है कि ये बिल महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए है। ये तो रही नेताओं की बात, हैरानी तो समाज के उस वर्ग की खामोशी पर भी है जो वक्त वक्त पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के दर्द पर इतनी लंबी चुप्पी है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में सवाल भारत का में हमारा आज का दूसरा सवाल, मॉब लिंचिंग और इंटॉलरेंस की बात करने वाले ट्रिपल तलाक पर खामोश क्यों है? मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है इस पर डिबेट करने के लिए।
अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर शम्सुल हसन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, शिवम त्यागी बीजेपी के नेता हमारे साथ, शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी के नेता भी जुड़ गए हैं, और मौलाना मुस्तफा हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु, थोड़ी देर में मोहम्मद इब्ने हसन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा मुस्तफा हुसैन साहब, जो इस बिल के विरोधी हैं, उनका ये तर्क है कि मुस्लिम पुरुष जो हैं वो जेल चले जाएंगे जो ट्रिपल तलाक के आरोपी होंगे, और उनके हकों का क्या? तो मुस्लिम आरोपी पुरुष जो ट्रिपल तलाक देते हैं उनके हितों की चिंता है लोगों को, विरोधियों को, पर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, उनके साथ न्याय हो, इसकी चिंता नहीं है, इस पर आपका क्या पक्ष है? इसकी चिंता तो सरकार को ही है ना, मुस्लिम महिलाओं की चिंता तो सरकार को है। इतना बड़ा बिल लाने की जरूरत नहीं थी, इतने मसले नहीं होते। ये बहुत कभी शादो नादर एक आध केस होता है, किन शरीफ, पहली बात तो मुसलमानों में दो फिरके हैं, एक शिया फिरका एक सुन्नी फिरका। शिया फिरका में तीन तलाक का कंसेप्ट नहीं है, सुन्नी हजरात में होता है मगर बहुत कम होता है, इतना नहीं होता कि उसके पीछे इतना बिल। अच्छा फिर आप पर्सनल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या इसकी सहमति दी है? मुस्लिम इदारे जितने हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एकदम से आप मुसलमान महिलाओं के हमदर्दी दिखाने लगे तो आप उनके मर्दों की हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। मुस्तफा हुसैन साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि इक्का दुक्का मामले होते हैं, ज्यादा नहीं होते। सरकार ने खुद आंकड़ा रखा है आज सदन में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, 2017 के बाद भी 345 मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज हुए हैं ट्रिपल तलाक को लेकर, जिससे महिलाएं पीड़ित हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इक्का दुक्का मामले हैं? पूरे भारत, ये पूरे भारतवर्ष के आंकड़े होंगे। तो आप क्या, आप कहां के आंकड़े? पूरे भारतवर्ष के आंकड़े होंगे। इक्का दुक्का आप क्या लखनऊ के आंकड़े बता रहे थे? क्या किसी महिला को आपने एक सब्जी गरम नहीं 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 देखिए ऐसा है किसी भी निकाल दिया 345 तो सामने आ गए केस, ये तो बहुत बड़ी संख्या है सर। नहीं, हम मानते हैं तीन तलाक गलत है, हम मानते हैं जुल्म है, मगर ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा लेवल पर ये बिल लाकर इतना खड़ा किया तो विरोध क्यों नहीं? मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पर, ये सवाल समझ से बाहर है, ये जवाब भी समझ से बाहर है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। ब्रेक 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 के बाद। डाउरी प्रथा किया इतने बड़े लेवल पे था, पर कानून आया ना डाउरी प्रथा को लेके, चाइल्ड मैरिज इतने बड़े लेवल पे था क्या, पर कानून आया, सती प्रथा इतने बड़े लेवल पे था, कानून आया। ब्रेक ब्रेक, हम इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। तो सवाल यही है कि भाई अगर ये गैर इस्लामिक है, अगर ये गलत है, मुस्लिम समाज भी मान रहा है, तो फिर इसकी हिमायत क्यों कर रहा है, इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं कर रहा वो पक्ष जो इस ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ है? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सवाल भारत का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सवाल भारत का। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों हमने मुस्तफा हुसैन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनका ये कहना था कि ये तो छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, ज़्यादा है नहीं, इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया सरकार ने, बिल लाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर साथ ही लगे हाथ ये भी कह दिया कि ये गलत है, हम इसे सही नहीं मानते, लेकिन इस पर इतना बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत क्या थी? डॉक्टर शम्सुल हसन, बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या है? छोटा मोटा मुद्दा है, गलत है, लेकिन बोलना नहीं है इसके बारे में, इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, गलत मानेंगे लेकिन खिलाफत करेंगे फिर भी बिल की, ये क्या दोहरा मापदंड है? जी, मैं मुश्तबा हुसैन साहब से सबसे पहली बात बहुत ही बाअदब होकर के और उनका एहतराम करते हुए एक बात मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपको हमारी एंकर ने ये कहा मौलाना, तो क्या मौलाना कोई गाली है जो आपने कहा कि साहब इस पर बिगड़ गए आप? आपको इज्जत और एहतराम से आपका नाम लिया गया तो आप इस पर जो है आप बुरा क्यों माने? देखिए, और आप यहां ये मुद्दा नहीं है, पहली चीज। अब नेक्स्ट मेरा जवाब सुन लीजिए हुजूर जी। अरे अब बहस को हम भटकाते नहीं, छोड़ दीजिए, आइए दूसरी बात कीजिए, मुद्दे पे आते हैं। आपने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा, आपने कहा ये बहुत छोटी मोटी मामूली सी बात है, तो जब मामूली सी बात है तो मामूली सी बात पे जो है वो इतना पूरे हिंदुस्तान को जो है वो भड़कने की या ये कि वो सारा आग बगोला होने की ज़रूरत क्या है? मामूली सा काम कर रही है। आपको कहना चाहिए बीजेपी साहब से कि साहब आप कोई बड़ा काम कीजिए, तो बहुत मामूली सा है, इसके अंदर हम क्या कहें, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपको इसमें जो है या पूरी कौम को इसके अंदर जो शिद्दत से इसकी मुखालफत क्यों करनी चाहिए? मैंने जब बहुत मामूली सा है, वाकयात इसमें होते कहा, ही नहीं है, आप लिंचिंग बेकानून को नहीं लाते। नहीं नहीं, अभी तो एक एक करके बात कीजिए ना, अभी तो आप पहले जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, जब कोई बात नहीं है, बहुत मामूली से वाकयात होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, अगर उस पर कानून बना दिया गया इक्का दुक्का पे, तो हमें
या आपको इतना ज्यादा आग बगोला होने की जरूरत क्या है? आप कहिए हाँ ठीक है, ये मामूली सी जो ऐब है वो भी नहीं रहना चाहिए कौम में और अपनी उसके अंदर। बिल्कुल आवाज गई। बिल्कुल मुश्तबा हुसैन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब शायद उन तक जवाब आवाज नहीं जा रही है। जी डॉक्टर, अपनी बातें रख दूं क्योंकि मुझे डॉक्टर जल्दी निकलना है। ठीक है रखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब डाउरी पे जब कानून आया था, क्या पूरे देश भर में क्या डाउरी प्रथा चल रहा था क्या? जब चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज को जब एबोलिश किया गया तो पूरे देश भर में क्या बच्चों की शादियां हो रही थी क्या? जब सती प्रथा को खत्म किया गया तो पूरे देश में क्या सारे महिलाएं क्या सती कर रही थी क्या? जब विडो री मैरिज एक्ट जब हुआ तो उस समय क्या हर जितने सारे विधवाएं हैं उनके साथ मतलब कि इस तरह का जुल्म किया जा रहा था क्या? सारे चीजों का जो कुरीति है, कुरीति पे कानून के माध्यम से उमली जमा पहना के उसको खत्म करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहां पे यह है कि आज मैं ट्रिपल तलाक पे लगातार मैं बहस किया हूं अलग अलग चैनलों पे। ये दलीलें दी जा रही है कि शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट जब लागू हुआ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जब लागू हुआ था, क्या वेद उपनिषद भगवद गीता गीता को ध्यान में रखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ था? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जब लागू हुआ था बाइबल को और ओल्ड टेस्टामेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि सारे साइंटिफिक और जितने सारे मॉडर्न लॉज है और इथोस है उनको ध्यान में रखते हुए ये कानून बना था? तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हिंदू मैरिज एक्ट में यूनिटरी बेसिस पे तो तलाक होता ही नहीं है, तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन के हिसाब से अगर किसी महिला को तलाक दे दे, डिवोर्स कर दे, या मतलब कि बिना लीगल किसी उसके प्रावधान के, तो उसको गैर कानूनी माना जाता है, बाकायदा उसको कोर्ट पे खड़ा किया जाता है। डेजर्टेशन किसी हिंदू महिला का कोई पति अगर करे बिना लीगल सैंटिटी के, बिना तलाक के, बिना डिवोर्स के, तो 5 साल से लेकर 7 साल की सजा के प्रावधान है। उसके साथ साथ वो व्यक्ति डेजर्टेशन करके बिना कानून की इजाजत के दूसरे महिला से अगर शादी करता है, वो शादी जो है दूसरा शादी उसको एक तरह से इल्लीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है, नॉल एंड वॉइड के हिसाब से देखा जाता है। 7 साल से लेकर 14 साल का प्रावधान है वहां पे जेल का। जब बाकी मजहब के मैरिज इथोस को लेके, मैरिज को लेके इतना स्ट्रॉन्ग प्रावधान है और इतने सारे मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, यहां तो खाली 3 साल की बात की जा रही है ना, और इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, मतलब कि एक सिविल सिविल लॉ पे आपके लिए स्पेशल वो क्यों, स्पेशल तरह का वो प्रावधान क्यों? ये एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश है, यहाँ पे सब के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। सारे धर्म भारतीय है तो फिर आप स्पेशल प्रावधान एक मजहब के लिए क्यों? मुश्तबा हुसैन आप तो वकील है ना, आपने मुझे करेक्ट करके बताया, आप वकील हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए। नहीं सवाल ये कि यहाँ शरीयत ला में दखलंदाजी है, इस पर लोगों को एतराज है। यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को एतराज है, यहाँ पे उन लोगों को एतराज है क्योंकि यहाँ पर शरीयत से काम होता है। कोई लीगल संस्था नहीं है, कोई इललेजिटिमेट संस्था है, उसका कोई कानूनी वो नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, एनजीओ के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है। आइए फिर मैं सिर्फ 10 सेकंड में बताना चाहता हूं मुस्तफा हुसैन साहब को परेशानी क्यों है इस बिल से, और वो इतना ज्यादा अपने आप को प्रिविलेज्ड इंडियन क्यों मानते हैं। 1949 में हिंदू कोड बिल प्रोसेस किया गया, फ्लोर ऑफ द हाउस बहस हुई, उस पर 3 दिन बहुत गर्म बहस हुई, बहस होने के बाद ये निकला और फ्लोर ऑफ द हाउस नेहरू जी ने कहा कि ये बिल जब तक आ नहीं जाता इस देश में मेरी सरकार नहीं चलेगी, फ्लोर ऑफ द हाउस है ये। 1955 में फिर कई भागों में तोड़ के उस हिंदू कोड बिल को हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया, तो पहली बार ये आवाज उठी कि यहां पर सिर्फ हिंदुओं के रीति रिवाजों को क्यों चेंज किया जा रहा है, यहां पर और भी लोग रहते हैं। आप ही लोगों ने 85 में इसी कांग्रेस ने शाहबानो केस के डिसीजन को पलट कर वहां पर फिर जो कुछ इस्लाम में जो लोग हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी साइड लेते हुए एक मुस्लिम महिला को फिर से दरकिनार कर दिया। आज 2019 आ गया है साहब, 1400 साल की कुरीति है ये जानी चाहिए। आप लोगों को इतनी परेशानी कि आप कोई प्रिविलेज नहीं है इस देश में,
सबके लिए है ये। अवधेश जी फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। अवधेश जी देखिए, जो सवाल ये उठा रहे हैं ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा था, ध्यान रखने की बात। 23 अगस्त 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 395 पेज में, उसमें इन सब चीजों का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत देखा, सुप्रीम कोर्ट ने हदीस पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कुरान का उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इस्लामिक लॉज अलग अलग नेशन के हैं उनको लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग विद्वानों को बुलाया, इस्लामिक विद्वानों का, उनको पढ़ा, और सारे उसमें कोर्ट हैं। वो फैसला पढ़ेंगे तो उसमें सारे कोर्ट हैं, और उसके आधार पर तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम मजहब में ये नहीं है, ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, संविधान के भी विरुद्ध है। तो इसलिए अब ये प्रश्न उठाना, उस समय पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या जाके उसमें कहा था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने तर्क दिया था कि इसमें न्यायालय नहीं दखल दे सकता क्योंकि ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये पर्सनल लॉ का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कहा, पढ़ के उसका उदाहरण दिया। दूसरा इन्होंने दिया था कि तलाक के बाद उस पत्नी के साथ ही रहना पाप है, इसलिए सेकुलर न्यायालय उसको पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसको बड़ा व्यंग किया न्यायालय ने, मजाक दे दिया कि जो तलाक हुआ ही नहीं है, जो गलत है उसको आप सही ठहरा रहे हो कि उसके साथ रहना पाप है, तो उस महिला के लिए पाप क्यों नहीं है। तीसरा इन्होंने इनका जो अभी ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है अगर इसको आपने नहीं रहने दिया तो हो सकता है कोई पति गुस्से में पत्नी को गोली मार दे क्योंकि वो अगर छोड़ना चाहता है, इसलिए इसको जारी रखिए। इनका ये तर्क था कि 1400 साल से चल रहा है आस्था का प्रश्न है, इसमें न्यायालय जो है नहीं जा सकता है, कुछ लेना देना नहीं, सबको उसको कर दिया, सबको न्यायालय ने माना। और एक अजीब तर्क दिया था उसमें, यह भी तर्क था कि महिलाओं के पास दिमाग कम होता है, बुद्धि कम होता है, वो सही फैसला नहीं कर सकती हैं, इसलिए जो है महिलाओं को इतना अधिकार न दिया जाए फैसला करने का। ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि इस सबको न्यायालय ने खारिज कर दिया, और जो कह रहे हैं कानून, अब मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के लास्ट में कहा है कि इसमें संसद को इंटरफेयर करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए, ये उस फैसले में लिखा हुआ है। ओके ओके, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो पूछूंगी, हमारे साथ टीएमसी के नेता भी होंगे, मैं ये पूछूंगी उनसे कि वो सारी ब्रिगेड, वो तमाम लोग जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, आखिर ट्रिपल तलाक पर खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए हैं, इस पर सवाल पूछ के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सवाल भारत का। वेलकम बैक, हमारी ये बहस जारी है। मैं चलूंगी, एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, मोहम्मद इब्ने हसन, उनके पास चलती हूँ। हसन साहब, जब तमाम दुनिया के इस्लामिक देश जहाँ पर ये जो कुप्रथा है ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म की जा चुकी है, उनकी जो इस्लामिक संस्कृति है वो इंटैक्ट है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो यहाँ जो लोग विरोध करते हैं धर्म और इस्लामिक संस्कृति के नाम पर कि उसको ख़तरा हो जाएगा अगर ये एबॉलिश हो गया, ऐसा क्यों? हसन साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, मैम देखिए, जहाँ तक तीन तलाक का मसला है, तीन तलाक, पहली बात तो है कि जैसा कि अभी आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हम आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। जी जी, तीन तलाक का जहाँ तक मसला है, जैसा कि अभी हमारे सभी दोस्तों ने ये बात कही कि तीन तलाक ना इस्लामी है, ना शरिया में इसका कोई, हमारे पास कोई कानून ऐसा है, और ना कुरान में इसका किसी तरह का जिक्र आया, ना कोई ऑर्डर इस तरह का है, तो हमें तीन तलाक का सपोर्ट करना चाहिए इसका। लेकिन परेशानी कहाँ है, जो विरोध हो रहा है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो, वो विरोध तीन तलाक का नहीं है, अब है उस बिल का कि जिसमें 3 साल की सज़ा का मसला है। क्योंकि सज़ा किसको दी जाएगी, मुजरिम को ना, तो वो मुजरिम तो चला गया जेल, लेकिन उसके साथ जो सज़ा बच्चों को मिल रही है, उसकी बीवी को मिल रही है, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, उसका क्या हल है? क्योंकि वो तो 3 साल सरकारी, वो तो सरकारी खाना खाएगा 3 साल, वो तो सरकारी खाना खाएगा ना 3 साल, उसे सारी फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगी, लेकिन इसके बच्चों का क्या होगा, उसका विरोध कर रहे हैं जो पूछना चाहता हूँ, उसको भी समझने की जरूरत है। हिंदू हस्बैंड बिना किसी कानूनी इजाजत के, बिना डिवोर्स लीगल वे में डिवोर्स लिए बिना,
वो अगर किसी अपने हिंदू पत्नी को अगर छोड़ देता है आर्बिट्री वे में और छोड़ के फिर दूसरे शादी कर लेता है या फिर आर्बिट्री वे में सेपरेशन कर लेता है, वो क्योंकि कानूनी तौर पे उसने डिवोर्स नहीं लिया है उसके शादीशुदा बीवी से, तो वो बीवी अगर कानून के पास अगर गुहार लगाती है और ये अगर प्रूफ हो जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट में जाके पढ़ लीजिएगा डिवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है। उस महिला का बच्चा भी हो सकता है कि एक बच्चा हो दो बच्चा हो, पति अगर उसका इलीगल एक्ट के लिए अगर वो जेल के अंदर चला जाता है कोर्ट अगर सजा देता है तो वहां पे क्या ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है कि मतलब कि वो पत्नी दलदल के स्थिति में चली जाएगी, बच्चों का रहन सहन बच्चों का ख्याल कौन करेगा, वो चीज वहां पे लागू नहीं होता है क्या? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे कानून के मुताबिक सजा है, हिंदू मैरिज एक्ट पे कानून के मुताबिक सजा है डिवोर्स को लेके अगर इलीगल वे में कोई देता है तो आपके लिए क्यों नहीं होगा वो चीज? और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 22 इस्लामिक देश है शीतल जी जहाँ पे ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, वहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट है, सजा है वहाँ पे। जवाब दीजिए इस पर मोहम्मद इब्ने हसन, जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर हसन। सर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उससे किसी को वो नहीं है, लेकिन आप सजा किसको देना चाहते हैं ना? सबसे पहला सवाल ये, सजा किसको दे रहे हैं आप? आप सजा उसको दे रहे हैं कि जिसने तलाक दी है या सजा उसको दे रहे हैं जिसको तलाक दी गई है? आप मुझे तो बताइए ना, 3 साल वो भी तो परेशान होगी या नहीं होगी? 3 साल वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसका विरोध हो रहा है, 3 तलाक का विरोध नहीं हो रहा है, 3 तलाक में जो सजा का कोई भी कुछ कर सकता है, सजा इसलिए है कि डर के मारे कोई इस प्रकार से सजा ऐसी दीजिए ना जिससे उसके ऊपर खौफ रहे। सजा आप दीजिए कि जी सजा दीजिए कि आधी प्रॉपर्टी उसकी, आधी प्रॉपर्टी जो है वो बीवी को उसको दे दी जाएगी। इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर पत्नी और पति चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट उनके बीच समझौता करा के फिर उनको निकाह को कायम रख सकता है। इसमें ये भी बात है, इसमें ये भी है कि ऐसे तो 3 साल अगर वो जेल चला जाता है तो क्या उसके आने के बाद पत्नी को एक्सेप्ट करेगा? अरे भाई तो उसको नहीं करेगा, क्या वो मोहब्बतें दोबारा से उनके दरमियान वापस आ जाएंगी? सजा भुगते उसके उसके जमीन में उसकी हिस्सेदारी होगी, उसके जो बैंक बैलेंस होगा उसमें हिस्सेदारी होगी, और क्या होगा उसमें? भाई 3 तलाक जब 3 तलाक बैन हो जाएगा तो वो 3 तलाक के बाद भी उसकी बीवी रहेगी नहीं रहेगी? डॉक्टर शमसुल हसन आइए, वो तो इनकी गलत फहमी है। आप कैसे समझ नहीं रहे? एक मिनट, डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट पर जब बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम केवल फंडामेंटल राइट्स बना दें उससे काम नहीं चलेगा, इसकी रिमेडी भी चाहिए कि कोई अगर उल्लंघन करे तो इसका रिमेडी क्या है? उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा, इसकी रिमेडी चाहिए, वो रिमेडी सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर दी जा रही है। ओके ओके डॉक्टर शमसुल हसन आइए। असल में इब्न हसन साहब, जरा सा मैं आपसे खिताब करना चाहता हूं और बहुत ही मतलब कि संजीदगी से इसको गौर से सुनिएगा। और वो ये है कि आपकी परेशानी ये है, अभी आपने बयान किया कि अगर उसको हस्बैंड को सज़ा हो गई तो बीवी बच्चों का जो है कौन देख रेख करेगा? क्या इस्लाम में कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जिसके अंदर के बेवाओं का, यतीमों का और नादार बच्चों का और मुसाफिरों का ख़ास ख्याल रखा जाए? ये भी तो एक प्रोविज़न है जी। तो अब जब ये प्रोविज़न है तो उसको हम लोग जो है शिया कम्युनिटी में कहा जाता है खुम्स, यानी ये कि आप अपनी सालाना जो बचत है उस बचत का 1/5 हिस्सा आप जो है वो उन पर खर्च करेंगे। किसके ऊपर खर्च करेंगे? जो बेवा होगी, जो तलाक शुदा होगी, जो भी मजलूम जो है। नहीं सुनिए, वो औरतें खासतौर से जो यतीम बच्चे होंगे उनकी परवरिश होगी उस पैसे से। आपके यहाँ ऐसा कोई फंड नहीं है तो सर ये यतीम नहीं है ना? सर ये यतीम नहीं है, सुनिए, ये किसी की बीवी है, वो जो जेल में रह रहा है उसकी परवरिश कैसे होगी? आप क्या बात कर रहे हो? वो बच्चे यतीम नहीं है, उन बच्चों का बाप जेल में है, आप उसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम्स का पैसा हम बेवा को दे सकते हैं, यतीम को दे सकते हैं, लेकिन जिसका शौहर जेल में है, सजा भुगत रहा है, क्या उसके लिए भी कोई सावधान है? और अगर
अच्छा, की बात अच्छा, करें तो हिंदू तो सरकार क्या चाहती है कि मतलब सरकार इन दोनों को दोबारा से मिला के एक फैमिली बनाना चाहती है या सरकार इनके दरमियान नफरतें पैदा करके हमेशा के लिए जुदा करना चाहती है, एक ये भी तो सवाल है या नहीं है कि अगर ये शख्स 3 साल जेल में रह करके आता है तो क्या ये अपनी इस बीवी को दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इसे तो अब से पहले हो जाना चाहिए था। 3 साल की सजा से आप इतने डर रहे हैं, जिस महिला को आप ये देखिए 1 सेकंड में खड़ा होना ही चाहिए कि इसमें जो है ना मैं जिंदगी बर्बाद कर देता हूं, उसकी फिक्र कौन करेगा? कोई इसमें ओलमा का कोई किरदार नहीं करेगा, कुछ नहीं है। लेकिन ये सरकार कुछ इस्लामी ठेकेदारों से डरने वाली नहीं है, और धर्मगुरु जितने भी हैं उन्हें ये चाहिए कि इसके लिए अवेयरनेस पैदा करें। वो सब नहीं होने वाला। यहां एक स्पाइन वाला प्रधानमंत्री और सरकार है और पूरी कन्विक्शन के साथ ये सरकार खड़ी है और ये बिल पास कराएगी बिल्कुल 1000%। ठीक है, ठीक है। शीतल जी, एक जल्दी से फिर मुझे एक ब्रेक लेना है। एक चीज मुझे कहना है, 22 इस्लामिक देशों ने जो पारित किया है 3 तलाक वाला कानून और कहा है कि 3 तलाक अपने आप में इल्लीगल है और उसके साथ साथ बाकायदा व्याख्यान किया है उन सब देशों ने कि उसके लिए सजा की प्रावधान क्या होनी चाहिए। बहुत सारे इस्लामिक देशों में ये कहा गया है कि आप अगर बिना किसी उसके आप अगर तलाक दे देते हो अपने सिर्फ इच्छा के अनुसार तो उसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। उसका अलग अलग डेफिनेशन है। बहुत सारे इस्लामिक देशों में लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी कहा गया है। ये तमाम जितने सारे इस्लामिक देश है, जो 22 देश है, वो क्या मूर्ख है? वो बिना शरीयत पढ़े हुए, बिना हदीस पढ़े हुए, उन लोगों ने ऐसे ही उन लोगों ने लागू कर दिया है। कानून क्या बोल रहे हैं भाई? ये अपने यहाँ भारत का इस्लाम अलग है, अरब का इस्लाम अलग है। आप देखते नहीं है कि वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और है। दुनिया के सारे इस्लामिक देशों ने योग का समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट में, और भारत के मुसलमानों के लिए योग जो है वो एंटी इस्लाम हो जाता है। तो आप ये भारत के कुछ जो ये कट्टरपंथी ये मौलाना है जो कि यहाँ का अलग इस्लाम और फतवा देते रहते हैं, उनकी तुलना आप उन देशों से जो प्रोग्रेसिव है कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, बहस बेहद गर्म है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन मजबूरी है। ब्रेक के बाद फिर बहस पर लौटेंगे। देखते रहिए सवाल भारत का। वेलकम बैक। आज के दूसरे सवाल पर चले, उससे पहले डॉक्टर शम्सुल हसन को जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर शम्सुल हसन, आप मोहम्मद इब्ने हसन से कुछ बताना चाह रहे हैं, उनको काफी कंफ्यूजन है। इब्ने हसन साहब, मैं जो गुफ्तगू आपसे कर रहा था उसमें यही कह रहा था कि परेशानी हुकूमत से नहीं है, परेशानी अपनी कम्युनिटी से है। एक कम्युनिटी जो है वो उसके लिए फंड रखती है और दूसरी कम्युनिटी जो है उसके इन बच्चों के लिए, इनके लिए मखसूस फंड नहीं रखती। तो जो पहली कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी है, उसको हुकूमत की तरफ से कोई मदद की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, सरकार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत से वो मदद मांगे। उनका अपना निज़ाम है, उसके अंदर जो है यतीमों के लिए और बेवाओं के लिए और जो तलाकशुदा औरतें हैं उनके लिए अपने आप जो है उनके घर पे मदद पहुंच जाती है। हमारी कम्युनिटी के पास अगर अपना निजाम है, उनके पास भी अपना निजाम है। आप उसे भी समझिए, तो मैं कह रहा हूं उनके पास भी आपके पास जो है वो ऐसा कोई निजाम मौजूद है, ऐसा कोई निजाम नहीं मौजूद है। तो शायद इसलिए जो है वो इस तरीके की बात जो है अंदर से जो है फंड उनके पास भी मौजूद है, ज़कात का फंड है, सही है ना? नहीं, आपके पास जो है मौजूद होता के फंड उनके पास भी, अगर हमारे पास खुम्स का फंड है तो उनके पास ज़कात का फंड है सर। नहीं, ज़कात है, लेकिन सर मेरे कहने का मकसद ये कि मैं तो एक ऐसी कम्युनिटी से ज़कात है, ज़कात तो यहाँ भी है, खुम्स के अलावा क्या ज़कात का मसला है ही नहीं? हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं ना। हमारी कम्युनिटी में कोई 3 तलाक को मानता है ना 3 तलाक देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये जो मैंने सवाल कर रहे हैं जिसका मुस्तफा हुसैन साहब ने नहीं किया है, वो विरोध भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने इब्ने हसन साहब से सवाल किया है, मुश्ताबा हुसैन साहब से नहीं किया। हसन ही बोल रहे हैं, ठीक है, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। ओके, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। दूसरे सवाल पर आती हूँ मैं। अवधेश जी, आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। टीएमसी के प्रवक्ता उठकर चले गए, ना जाने क्यों नाराज हो गए, खफा हो गए। लेकिन अवधेश जी, हैरानी की बात यह है कि वो आवाजें जो इंटॉलरेंस के लिए लगातार उठती हैं या मॉब लिंचिंग की बात करती हैं, कल ही हमने एक चिट्ठी का जिक्र भी हुआ पूरे देश में, उस पर चर्चा भी हुई, 3 तलाक के मामले पर एकदम खामोश है, सन्नाटा है। नहीं, तो ये तो जाहिर है कि हमारे देश में एक बड़ा तबका जो बुद्धिजीवियों का है, एक्टिविस्टों का है, वो उनका पाखंड उजागर होता है। कल ही जो पत्र आया है, कितना पूर्वाग्रह से ग्रसित तो पत्र है, उस पत्र को पढ़िए जरा। कभी भी मतलब वन साइडेड अगर कोई मारा गया है तो उस पर तो उनकी आवाज उठती है, लेकिन दूसरे पक्ष पर कभी नहीं उठती है।
और आज ही उनमें से उस पत्र में तो यह कहा गया है कि आपके विरोध करने पर आप उसको अर्बन नक्सल कह रहे हैं। आज ही एक रिपोर्ट है कि उस अर्बन नक्सल में जो हम लोगों के बीच के पत्रकार थे उनके बारे में कहा गया है कि वो जो है हिजबुल मुजाहिदीन से भी संपर्क में थे। कोर्ट में सवाल ये इस देश में इसके कारण ही इस देश में जो व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है जिसके कारण ये सारे लोग समाज से निकाल दिए जा रहे हैं। बोलिए इनके कारण से क्या बोलिए? मॉब लिंचिंग बंद कराइए। बहुत अच्छी सरकार है, जनमिश्रा की सरकार है। अभी बोल रहे हैं बड़ी बकवास की है ना, मॉब लिंचिंग बंद कराइए। मैं इसी महीने का मैं बता रहा हूं, देखो इस महीने की मॉब लिंचिंग का सब मालूम है। एक सेकंड मालूम मैं आपको समझा दे रहा हूं। खाली मैं समझा देता हूं, सुन लीजिए पहले। आप लोग बिल्कुल मॉब लिंचिंग को भी गलत शब्द, एक तो लिंचिंग शब्द गलत है क्योंकि ऐसा भारत में नहीं हुआ है कि तय करके एक समूह जा रहा हो कि किसी दूसरे समुदाय को हमको मार देना है, ऐसा नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी घटना अभी हुई है बिहार में वो पशु चोरी के नाम पर हुई है। पशु चोरी के नाम पर हुई। दूसरी घटना जो झारखंड की है वो भी चोरी के नाम पर हुई है। एक जगह मोर की चोरी के नाम पर हुई है। चोरों को लोगों ने पीटा और मार दिया है। वक्त खत्म हो गया है। 5 सेकंड शिवम से आ गया है, क्लोज द डिबेट। बिल्कुल वक्त नहीं है। को उतना कहना चाहूंगा कि लिंचिंग पर अगर आज आपको इतना दर्द है तो सबसे पहले आपको 1984 में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, 89 में भी बुलंद करनी चाहिए थी। ओके सिलेक्टिव मत होइए। ये जो एक सेक्युलर लोग है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। अवधेश कुमार, डॉक्टर दत्ता, शिवम त्यागी, मोहम्मद इब्ने हसन, डॉक्टर शमसुल हसन, शुभांकर भट्टाचार्य चले गए, मौलाना मुस्तफा हुसैन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आपकी यानी व्यूअर्स की राय क्या है, मैं जरूर ट्वीट कीजिए @ जनतंत्र TV @ शीतल राजपूत N पर। देखते रहिए जनतंत्र TV।